नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम टिंडे टमाटर की सब्जी बनाएंगे। टिंडे टमाटर की सब्जी स्वाद में एकदम अलग, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। टिंडे टमाटर की सब्जी बनाने के लिए हम टिंडे को छीलकर काटकर तैयार करेंगे और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को पीस करके पेस्ट बनाएंगे। तो हमने पहले से ही टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर तैयार किया हुआ है, वो ले लेते हैं। टिंडे हमने पहले से ही धो करके सुखा करके ले लिए हैं, हम इन्हें छील लेते हैं। तो पीलर से इस तरीके से पहले हम टिंडे छील करके तैयार कर लेते हैं। सारे टिंडे हम इसी तरीके से छील करके तैयार करेंगे। ये हमने सारे टिंडे छील कर तैयार कर लिए और अब हम इन्हें काटेंगे। तो ये छिलके हटा देते हैं। टिंडों को हम काट लेते हैं तो एक टिंडे के 8 टुकड़े कर लेंगे और इसी तरीके से हम सारे टिंडे काट करके तैयार करेंगे। सारे टिंडे हमने काट कर तैयार कर लिए, अब हम इन्हें बनाते हैं। पैन को गरम करते हैं। पैन गरम हो गया है, पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल डाल देते हैं। तेल को गरम होने देते हैं। आधा छोटी चम्मच जीरा लिया है हमने, तो हम इसमें उससे आधा यानी कि चौथाई छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और आधी हींग डाल देते हैं। एक पिंच हींग लिया हमने, आधा पिंच हींग डाल दी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब हम डाल देते हैं टिंडे। हम टिंडे के लिए मसाला तैयार करेंगे, तो अभी हमने बिल्कुल थोड़े से मसाले यूज किए हैं और अब मैं डालूंगी इसमें आधा छोटी चम्मच नमक। मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर लगभग 1/4 कप पानी हम डालेंगे और इसे ढक कर के 5 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी को थोड़ी थोड़ी देर में चलाना और चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे टिंडे गले नहीं है, हम इन्हें चला देते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर पानी है सफिशेंट, हमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें फिर से ढक कर के और मीडियम गैस पर 5 मिनट और पकने देते हैं, फिर चेक करें। अभी हम ये टिंडे दूसरी गैस पर रख लेते हैं और इस गैस पर हम मसाला भून करके तैयार कर लेंगे। टिंडे तब तक वहाँ नरम हो करके पक करके तैयार हो जाएंगे, इधर हम अपना मसाला भून करके तैयार कर लेंगे। तो पैन गरम कर लेते हैं और पैन में हम अपनी पसंद के अनुसार 1 या 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। आप कम तेल खाना पसंद करें, थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। तेल गरम हो गया है और अब हम तेल में डालेंगे जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर लिया है। मसाले को हल्का सा भूनेंगे, गैस धीमी रखेंगे मसाला भूनते समय। और अब हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून नहीं जाता और उससे तेल अलग नहीं दिखने लगता। बीच बीच में मसाले को चलाते रहेंगे, गैस धीमी और मीडियम रखेंगे। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अगर आप तीखा पसंद करें तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ज़्यादा कर सकते हैं। नमक 1/2 चम्मच हमने टिंडे में डाला है, 1/2 चम्मच हम मसाले में डाल देते हैं। बाकी नमक अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम और ज़्यादा लिया जा सकता है। और मसाले को चलाते हुए भूनते हैं। मसाले से तेल अलग होने लगा है, मसाला भूनकर तैयार है और हम अपने टिंडे भी चेक कर लेते हैं। और टिंडे को हम इस तरीके से चलाएं और थोड़ा सा कलछी से दबा करके देख लें, तो टिंडे दब रहे हैं। और टिंडे को हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, क्योंकि अगर टिंडे बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं तो उनका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता।
तो हल्का सा हमें इन्हें क्रंची रखना है। टिंडे हमारे पक गए हैं, इधर हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। हम मसाले में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि टिंडे में हमें हल्की सी ग्रेवी मिल जाएगी। तो जितना आप पसंद करें, एक चौथाई कप या आधा कप, उतना पानी हम मसाले में डाल देंगे। उबालने देते हैं और इस मसाले को अब हम इन टिंडों में डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, मिक्स करेंगे और सब्जी को ढक कर के धीमी गैस पर 3-4 मिनट पकने देंगे। 3 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी भी बन करके तैयार है। सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सब्जी का कलर बहुत अच्छा है। सब्जी को हम प्याले में निकाल लेते हैं। सब्जी के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके सब्जी की गार्निश कर देते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। टिंडे टमाटर की सब्जी को चपाती, पराठे, नान या चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं और इतनी सब्जी परिवार के 4 सदस्यों को परोसी जा सकती है। तो आप ये सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।